साल का सबसे बड़ा दिन आज यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक चलेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक लगभग 5:49 तक यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने मायने होते हैं। ज्योतिषों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारत, पाकिस्तान, चीन, इथोपिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और यूरोप के अलग अलग देशों में दिखाई देगा। हर शहर में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय पर लगेगा। जानकारों की माने तो नई दिल्ली में सूर्य ग्रहण 10:15 से शुरू होगा और 1:44 पर समाप्त होगा। उत्तरी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण की वलयाकार यानी पूर्ण छल्लेदार अवस्था दिखेगी, जबकि बाकी देश में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। जिन इलाकों में सूर्य ग्रहण पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई देगा वो हैं देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सरसा, सूरतगढ़। इन जगहों पर सूर्य ग्रहण 98.6% तक दिखाई दे सकता है। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। विज्ञान के मुताबिक खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। सोलर फिल्टर चश्मे या फिर टेलीस्कोप की मदद से सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण देखने के लिए बाजार में कई सर्टिफाइड चश्मे भी उपलब्ध हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। इसके जवाब में ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की घटना को देखने से बचना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले। अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक या मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण मंगल नक्षत्र में पड़ने वाला है। ज्योतिषविदों के अनुसार भारत समेत कई देशों पर इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये सूर्य ग्रहण ऐसे वक्त में पड़ रहा है जब राहु, केतु समेत कुल 6 ग्रह वक्री हैं। ज्योतिषविदों का कहना है कि अगर ग्रहण काल में आप कुछ खास मंत्रों का जाप करें तो आपके सिर से ये संकट टल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।